ये देखिए यहाँ पर पाइप लगाया गया था, ये देखिए ये पाइप है प्लास्टिक का, तो ये प्लास्टिक का पाइप कैसे चलेगा इस रोड पर? यहाँ पर देख सकते हैं आप पीछे किस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ी। ये ड्रेनेज का पानी, ड्रेनेज का पानी, ये ड्रेनेज का पानी है। ये जो सामने की लाइन है वो लाइन इसमें कनेक्ट नहीं हुई है, उसका पानी यहाँ पे आ रहा है और उसका ओवरफ्लो है। फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ सागर प्लाजा होटल के पास नायगांव में। यहाँ पर कई महीनों से ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये पानी बह रहा है। लोगों का कहना ये है कि ये नगर पालिका का पानी है और कई का कहना है ड्रेनेज का पानी है, मगर हमने इसकी पड़ताल की और सही मायने में देखा तो ये दरअसल ड्रेनेज का पानी है। ड्रेनेज में अंदर लाइन चौकअप होने की वजह से पूरा पानी बाहर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सिटी इंजीनियर आए थे, उन्होंने यहाँ पर विजिट करी और बताया कि जल्द से जल्द काम शुरू होगा। यहाँ के स्थानीय पूर्व कॉरपोरेटर अरशद अंसारी भी हैं यहाँ पर। मैं आपको पहले एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि देखिए किस तरह से मनपा का काम हुआ है। ये देखिए यहाँ पर पाइप लगाया गया था, ये देखिए ये पाइप है प्लास्टिक का, तो ये प्लास्टिक का पाइप कैसे चलेगा इस रोड पर? यहाँ पर देख सकते हैं आप पीछे किस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा जरा इधर आने के लिए। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए है पूर्व कॉरपोरेटर अरशद अंसारी। तो अरशद भाई, ये मामला कब से चल रहा है, आगे आ जाइए जरा, ये मामला कब से चल रहा है और देखिए किस तरह से धूप लगाकर काम किया गया। अभी सिटी इंजीनियर से आपसे मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अभी हमारे प्रभाग एक का जेई मते को मैं बुलाया था, मैंने गायकवाड़ साहब से भी बात किया और सिटी इंजीनियर साहब जो नए आए उनसे भी बातचीत हुई। उस दिन मैंने उनको बोला भी था कि ये प्लास्टिक का पाइप यहाँ चलेगा नहीं, आप धूप लगाने का काम करो मत, क्योंकि मेन रोड है, क्रॉसिंग है, रोड क्रॉस होता है तो यहाँ पर DI का ही पाइप चलेगा। लेकिन वो किसके प्रेशर में क्या मालूम नहीं, उन्होंने ये काम धूप लगा के निकल गए और 2 दिन के अंदर उसका रिजल्ट सामने आ गया, टूट गया और उससे ज़्यादा लोगों को तकलीफ होने लगी क्योंकि वहाँ खड्डा हो गया और गाड़ियाँ और ये सब ले जाने में तकलीफ हो रही है। तो अरशद भाई, ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये पानी किस तरह का है? GI का यानी ड्रेनेज का पानी है कि नगर पालिका का पानी है? क्योंकि यहाँ पे अफवाह हो रही है, लोग ने हमने फ़ोन करके बता रहे कि ये नगर पालिका का म्यूनसिपाल्टी का जो नल का पानी आता है वो है। नहीं नहीं नहीं, ये ड्रेनेज का पानी, ड्रेनेज का पानी, ये ड्रेनेज का पानी है। ये जो सामने की लाइन है वो लाइन इसमें कनेक्ट नहीं हुई है, अच्छा, उसका पानी यहाँ पे आ रहा है और उसका ओवरफ्लो है। ये हर जगह जो चेम्बर रहता है उसका ओवरफ्लो छोड़ना पड़ता है, ये सिस्टम है ड्रेनेज का, ये ओवरफ्लो उन्होंने छोड़ा नहीं था, इसके लिए ये इशू हो रहा है। अभी ओवरफ्लो का पाइप निकाल देंगे, ये इशू ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे पानी की लाइन बीच में है ही नहीं, इस टाइम की लाइन वो तरफ है कोने में एकदम, हाँ, तो जब इस टाइम की लाइन ही नहीं तो वहाँ पानी कहाँ से आएगा? और सर्विस लाइन ये तरफ है सागर की लाइन में, तो पानी रोड के किनारे बीच में कोई लाइन ही नहीं तो पानी कहाँ से आएगा? तो इंजीनियर जो आए थे उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कितने 2 दिन के अंदर ये काम करने का, और जैसा मैं बोला हूँ DI का पाइप डाल के और उसके बाद जो ब्लॉक निकाले वो ब्लॉक और कॉन्क्रीटिंग करके पूरा क्लियर करने बोला हूँ, 2 दिन का मेरे को टाइम दिया है। यानी 2 दिन में पब्लिक को सुविधा मिल जाएगी, यानी ठीक हो जाएगा? इंशाल्लाह हो जाएगा 2 दिन में पूरा। देखा आपने, हमारे साथ मौजूद थे अरशद कॉरपोरेटर, जो काफ़ी बता रहे थे कि यहाँ पर 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये कई महीनों से ये मसला चल रहा है, यहाँ पर पानी बह रहा है और ये भी हमें यानी मुतमईन कर दिया कि ये पानी जो है ड्रेनेज का पानी है, ना कि कोई नगर पालिका का। इसी तरह हमारा चैनल देखते रहे लाइफ इन भिवंडी। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।